नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सुभाषितानी पाठ 6 भाग 7। श्लोक नंबर 7 है। क्या है, सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष है, फल छाया समन्वित है। यदि देवात फलम नास्ति, छाया केन निवार्यते। बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ पर जो शब्द है सेवितव्यो और महावृक्ष है, इसमें सेवितव्यो महावृक्ष है उत्व विसर्ग संधि है, जो ये यहाँ पर ओ है। क्या है? ओ की मात्रा, सेवितव्यो ओ की मात्रा है। इस ओ की मात्रा के स्थान पर यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, तो संधि विच्छेद होगा हमारा, सेवितव्य प्लस महावृक्ष है। नेक्स्ट संधि है दूसरी नास्ति। नास्ति ये दीर्घ संधि है, नय प्लस अस्ति, नय प्लस अस्ति, ये दीर्घ संधि है नास्ति। ठीक है, अब हम इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद देखते हैं कि फल छाया समन्वित है। फल और छाया से युक्त, समन्वित का मतलब युक्त, फल और छाया से युक्त महावृक्ष है, विशाल वृक्ष का सेवितव्य का मतलब आश्रय लेना चाहिए। बताया जाता है कि जिस पेड़ के फल लगते हो और जिसकी अच्छी छाया हो, वहां पर जाना चाहिए, जिससे फल भी मिले और छाया भी प्राप्त हो। तो इसका मतलब हुआ कि फल और छाया से, फल और छाया वाले महान या विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात, यदि देवात का मतलब भाग्य से, फलम न अस्थि, फल नहीं है उस पेड़ पर, यदि भाग्य से उस पेड़ पर फल नहीं है, तो छाया केन निवार्यते, केन किसके द्वारा छाया निवार्यते, छाया रोकी जा सकती है। अर्थात यदि फल नहीं है तो छाया से हमें कौन रोक सकता है, छाया तो हमें प्राप्त निश्चित रूप से होगी। तो इसे श्लोक का ये भावार्थ हुआ कि हमें फल और छाया वाले वृक्ष के नीचे ठहरना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। यदि भाग्य से उस वृक्ष के फल नहीं लगते हैं तो छाया तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अन्वय देखिए, फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए। देवात यदि फलम नास्ति, भाग्य से यदि फल नहीं प्राप्त होता है, तो छाया के निवारे थे, वृक्ष की छाया से हमें कौन रोक सकता है। अनुवाद देखिए, फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। भाग्य या दुर्भाग्य से यदि उसमें फल नहीं है, तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, किसी के द्वारा नहीं। भावार्थ देखिए, यदि कवि के कहने का भाव यह है कि हमें उस व्यक्ति के पास रहना चाहिए जिसके पास धन भी हो और सम्मान भी। यदि दुर्भाग्य से धन नष्ट भी हो जाए तो उसके पास रहने से सम्मान तो मिल ही जाएगा, सम्मान तो मिल ही जाएगा। प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, किदृशे कैसे महावृक्ष विशाल वृक्ष का सहारा लेना चाहिए, कैसे विशाल वृक्ष का सहारा लेना चाहिए, वो विशाल वृक्ष कैसा होना चाहिए। वो विशाल वृक्ष होना चाहिए दोस्तों फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त। तो आंसर हो गया हमारा फल छाया समन्वित है। कीदृश के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा, फल छाया समन्वित, फल और छाया वाले महावृक्ष विशाल वृक्ष का सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए। देवात भाग्य से वृक्ष, वृक्ष पर किम नास्ति, क्या नहीं। देखिए, यदि देवात, यदि भाग्य से नास्ति नहीं है, क्या फलम, फल नहीं है, तो उत्तर हो गया किम नास्ति, क्या नहीं है, उत्तर होगा हमारा फलम। नंबर 3, वृक्ष से किम या का केनापि निवार्यते, वृक्ष की क्या किसके द्वारा नहीं रोकी जा सकती, छाया, छाया से कोई नहीं रोक सकता, छाया तो हमें वृक्ष की प्राप्त हो ही जाएगी। नंबर 4,
फल छाया समन्विते, फल और छाया से युक्त महावृक्ष की किम करनी है, क्या करनी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, तो किम के स्थान पर उत्तर हमारा होगा सेवितव्ये। पूर्ण वाक्यन उत्तरत्, वैसे सेवितव्य का मतलब होता है सेवा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पर इस श्लोक के अर्थ में इसका अर्थ होगा आश्रय लेना चाहिए। पूर्ण वाक्यन उत्तरत्, अस्माभि हमें कीदृशे कैसे वृक्षे वृक्ष की सेवितव्य सेवा लेनी चाहिए, तो कीदृशे के स्थान पर हमें क्या लिखना है, फल छाया समन्वित, ठीक है, ऊपर वाला जो प्रश्न है हमारा कीदृश के स्थान पर फल छाया समन्वित, कैसे वृक्ष की छाया लेनी, कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, तो यहां पर अस्माभि एजिटिज लिखेंगे, कीदृश के स्थान पर लिखेंगे फल छाया समन्वित, और फिर वृक्ष सेवितव्ये महावृक्ष सेवितव्ये सेम लिखेंगे, तो हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। प्रश्न नंबर दो, अस्माभि फल छाया समन्वित महावृक्ष किमर्थम सेवितव्ये, हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की किस लिए आश्रय लेना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। देखिए उत्तर, अस्माभि फल छाया समन्वित महावृक्ष एतदर्थम सेवितव्ये, इसलिए हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की इसलिए आश्रय लेना चाहिए क्योंकि तस्य सेवया, उसकी सेवा से अस्माभि हमें फलम फल छाया से और छाया उभाव एव दोनों ही प्राप्यते प्राप्त होते हैं। यदि कदाचित फलानी न अपि लब्धानि भवेयु, यदि कभी फल भी न प्राप्त हो किंतु छाया तो अवश्य लभ्यते, लेकिन छाया तो अवश्य प्राप्त हो जाएगी। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर वन, देवात भाग्य से यदि फल नहीं है, फलम नास्ति, तो वृक्ष से छाया, वृक्ष की छाया से केन निवारे थे, किसके द्वारा रोका जा सकता है, इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपद क्या है, यदि वाक्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, इसका कर्तृपद क्या है, इसका कर्तृपद क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका कर्तृपद क्या होगा, फलम नास्ति, फल नहीं है, तो यहां पर कर्तृपद होगा फलम, क्या होगा, फलम उत्तर फल होगा। दैवात भाग्य से यदि फलम नास्ति, फल नहीं है, तो छाया केन निवारिते, छाया से किसके द्वारा रोकी जा सकती, क्रियापदम किम अत्र अस्ति, यहां पर क्रियापद क्या है, तो यहां पर क्रियापद देखिए अस्ति भी है और निवारियते भी है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, अस्ति नहीं है, तो क्रियापद हो गया हमारा निवार्यते। नंबर तीन, भाग्यम इत्यस्मिन अर्थे, भाग्य इस अर्थ में कै शब्द अत्र प्रयुक्त है, कौन सा शब्द यहां प्रयोग किया गया है, किसका, भाग्यम के अर्थ में, तो भाग्यम के अर्थ में शब्द प्रयोग किया गया दैव है, दैव का मतलब होता है भाग्य। नंबर फोर, फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्ये, फल छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, दैवात विशिष्य पदम किम अत्र अस्ति, दैवात भाग्य से विशिष्य पद क्या यहां प्रयोग किया गया है, दैवात, तो यहां पर महावृक्ष है, ये है विशिष्य पद, क्या, महावृक्ष। धन्यवाद।